नमस्कार डियर डायबिटिक फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को सलाड्स कैसे यूज़फुल रहते हैं। तो ग्रीन सलाड जो है वो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आपको सिर्फ टोमेटो लेना है, काकड़ी लेना है, मूला लेना है और उसके बाद में गोभी का पत्ता। आप ब्रोकोली भी यूज़ कर सकते हैं, स्पिनच यानी पालक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इससे बनता है ग्रीन सलाड। और वो मॉडिफाई करके आप थोड़ा और अलग अलग प्रकार के सैलड्स रहते हैं, काफ़ी वैरायटीज़ भी ला सकते हैं। कि जैसे स्प्राउटेड सैलड, जिसमें स्प्राउट्स डाल सकते हैं आप। उसके बाद में आप एक सैलड बना सकते हैं, ग्रीक सैलड बना सकते हैं। सो अलग अलग प्रकार के सैलड रहते हैं, लेकिन बेसिक आपका ग्रीन सैलड जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये ग्रीन सैलड से आपको फ़ायदे क्या होते हैं। नंबर एक, ग्रीन सैलड से आपको बिल्कुल कैलोरी नहीं मिलती, न के बराबर, नंबर एक। नंबर दो कि ग्रीन सैलड में आपको काफ़ी अच्छा मात्रा में फाइबर मिलता है। तो फाइबर जो है वो आपको डायबिटीज पेशेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। नंबर तीन, ये सैलड में आपको काफ़ी मात्रा में विटामिन सी मिलेगा और काफ़ी मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम, इसके जैसे मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स आपको मिलने वाले हैं। तो दैट इज़ यूज़फुल एंड इसेंशियल फॉर बॉडी। नंबर फोर कि जब भी आप ये सलाड खाते हैं तभी आपका रोटी और चपाती या राइस, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका ब्रेकडाउन स्लो हो जाता है और उसका एब्सॉर्प्शन भी स्लो हो जाता है। तो इससे आपका शुगर सर्ज या ग्लूकोज सर्ज कम हो जाता है। सो एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है उसका। सो डेफिनेटली आप ग्रीन सलाड या मॉडिफाइड कोई भी सलाड जो है हमेशा हर एक मील के साथ लेना चाहिए। और कब लेना चाहिए, वो शुरुआत में ही लेना चाहिए। जब भी आप शुरुआत में ही ग्रीन सलाड लेते हैं या अदर टाइप का सलाड लेते हैं तो आपके इंटेस्टिन और आपके जो स्टमक है उसमें वो कोटिंग करता है, तो बाकी के कार्बोहाइड्रेट का एब्सॉर्प्शन कम होता है। सो स्टार्ट यूजिंग ग्रीन सलाड एवरी टाइम यू ईट। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय छिले, MD फिजिशियन एंड डायबिटिक सेवियर।